हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है द लेजेंड्स ऑफ सोशल मीडिया। तो चलो देखते हैं कौन है ये भाई लेजेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये क्यों? मैं शादी करता नहीं हो जाती है। 84 साल के आदमी ने की 86 शादियां। ये क्या देख रहे हो? अरे भाई, ये फेसबुक पे देख रहा हूँ। ये कौन सा फेसबुक है आपका? ये हमारे तो नहीं आते ऐसे पोस्ट। ये क्या अंकल्स का अलग फेसबुक है? अरे भैया, आज तो मैं भी कैप्शन डालूंगा पहले अपनी फोटो खींच के ना। पापा को शादी करनी है दूसरी। बिल्कुल फड़फड़ा वाले अंकल लग रहे हो। फीलिंग वेरी हैप्पी। अब टैग करता हूँ बड़ा लड़का। मेरे को मत टैग करो साले, तुझे भी टैग कर रहे हैं। तुझे खुशी हो रही है? अरे वो तो यहाँ पे है भी नहीं। सिंपल प्लीज। 462 अदर्स पोस्ट। पोस्ट भी कर दी। तू क्या पागल है क्या? मुझे मत ले। बीइंग सेक्सी इज अ क्राइम। तू ये पोस्ट मत डालियो साले, तू पागल है। देखो टैग करूंगा 1000 लाइक। भाई साहब, मेरी फोटो देख के ना 200-400 लड़कियां तो मांगेंगी। बाटर बाटर बाटर। फड़फड़ा वाले अंकल लग रहे हो पूरे। फड़फड़ा वही फड़फड़ा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तो इज्जत का बड़ा पाव हो जाएगा। सोशल मीडिया पे सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। पापा, एक गेम शो खेलोगे? नहीं। गजब बेइज्जती साले, तू चुप रह। चलो मेरे साथ एक गेम शो खेलेंगे। आ जाओ, चलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फोन मिलेगा करोड़पति के नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर पप्पू एंड मिस्टर पप्पू सीनियर। कोई इज्जत ही नहीं अपनी। तो अभी आपको एक फेसबुक पोस्ट दिखाया जाएगा। गर्ल्स डो नॉट प्रपोज मी, आई हैव माय गर्लफ्रेंड वेरी ब्यूटीफुल, शी लव मी सो मच, गुड ऑल गर्ल्स। तो अब आपका प्रश्न है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये नोबेल प्राइज पुरस्कार जीतने वाला पोस्ट लिखने वाला प्राणी दिखने में कैसा होगा? ऑप्शन ए ऋतिक रोशन, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी सलमान खान। अरे ऑप्शन डी, तेरा हमें पता ही है कोई टट्टी होगा या तेरी केबीसी वाली गेम हमने पहले भी देख रखी है, वही है ना टट्टी है ना टट्टी है ना टट्टी। बोला टट्टी। एकदम सही जवाब, ऑप्शन डी टट्टी। बधाई हो, बधाई हो। ऐसे लग रहा है जैसे तवे के ऊपर चुपड़ी में चपाती नहीं होती और चपाती के चार बार आगे कर दियो। क्या बात है, बधाई हो बधाई हो। हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। हाथे खाते हो भाई, तुम लाते खाते हो। तुम्हारे जैसे नमूने ढूंढने नहीं पड़ते, मिल जाते हैं। आप क्यों नहीं? यू इंक्लूडेड सर। ये इन लोगों को यही सबक सिखाने के लिए था कि आपके पास जीवन में ऐसे बहुत मौके आएंगे जब आप फेसबुक का दुरुपयोग करके ऐसे वाहियात से पोस्ट डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ ले। कुछ लोगों को लगता होगा कि टिकटॉक छपरियों का अड्डा था, लेकिन नहीं। बिफोर टिकटॉक वॉज इवन अ थिंग, टिकटॉक के पैदा होने से कई साल पहले फेसबुक दादाजी एग्जिस्ट करते थे। फेसबुक वॉज द रियल हब ऑफ छपरी। हमें छपरी, ये क्या कर रहा है? रॉकेट नहीं चला रहा है। हमें छपरी, मरेगा क्या? ये क्या हो रहा? हमें छपरी, हमें छपरी, हमें छपरी। इंडिया में गैंग शिप फैलाने को आया, ब्लड को खाने में क्रीप लेके आया, फ्लो मेरे जैसा कोई पकड़ नहीं पाया, ब्लड क्रीप वाली ट्रिप पब्लिक को बताया, तुम लॉलीपॉप सुनो तुम्हारी वही चोकर खाया, साथ नहीं किसी का यहाँ तक अकेला ही आया। हमें छपरी, हमें छपरी, ऐसी फोटो, हमें छपरी, बाप रे, हमें छपरी, हमें छपरी, हमें छपरी,
अबे छपरियों कोरोना फैला हुआ है, थोड़ी सी शर्म करो. I love you with all my butt. I would say heart, but my butt is bigger. मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, लेकिन इसने सारी हदें पार कर दी. तुम हिंदी ट्रांसलेशन समझ रहे हो? मैं तुमसे अपने पिछवाड़े से प्यार करता हूँ. मैं दिल बोलता हूँ, लेकिन पिछवाड़ा ज्यादा बड़ा है मेरा दिल से, तो मैं अपने पिछवाड़े से प्यार करता हूँ. मतलब कुछ भी. इश्क वाला लव तो सुना था, पिछवाड़े वाला लव सुना कभी? अगर जेन्युइनली पिछवाड़े वाला लव एक गाना होता तो होता है जो पिछवाड़े वाला. अरे तो जब से टिकटॉक बैन हुआ है तो अब फेसबुक को ही नया टिकटॉक बना दिया. एक्चुअली टिकटॉक ने इसको नया वीगो वीडियो बना दिया. अगर तुम लोगों को याद होगा वीगो वीडियो, फेसबुक इज द न्यू वीगो वीडियो. सीपी में आ सकते हो दिल्ली में. किसको किसको मिलना है मेरे से? आ जाओ, मैं जा रही हूँ. एंट्री दो ही लोगों का है. कोई बात नहीं, बाहर तो मिल सकते है ना. फेसबुक में आ जाना, ठीक है? आ भाई, कैसी लगी? चलो चलो निकलो निकलो, उठो उठो उठो. दीदी जी तुम्हारा इंतजार कर रही है कनॉट प्लेस की एंट्रेंस पर 24/7. दीदी जी इज ऑलवेज देयर वेटिंग फॉर यू. और ये तो जो कमेंट्स में अजय कुमार जी ने तो अपना नंबर ही डाल दिया आई लव यू लिख के. तो आइए गाइस, अजय कुमार जी से बात करेंगे अब हम. कसम से भाई, अरे अभी पहले पूरा वो इंग्लिश में कोरोना वाला सुनाया, अब अमिताभ बच्चन जी शुरू हो गए. 2000 years later. हेलो अजय कुमार जी. अजय जी बहुत दुख में हूँ मैं, थोड़ी सी मदद कर देंगे? अजय जी थोड़े से पैसे की जरूरत थी, मेरी एक टांग निकली है. मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था. एक दिन मेरे पापा को मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी लात तोड़ दी. लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फॉरेन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी. अब बस अजय जी थोड़ा सा पैसा चाहिए था, ऑपरेशन करवाना था नकली टांग का. मेरा तो खुद रात कटा है. Do I look like Justin Bieber? मगरमच्छ जैसी आंखें, कौन से चिपचिपे बाल. Bro, you look even better. Justin Bieber से भी ज़्यादा सुंदर है तू. ठीक है? And let nobody tell you otherwise. कोई कुछ भी बोले, चाहे ज़माना चाहे कुछ भी बोले, तुम राजकुमार यादव क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम खुद में अपने आप को ऋतिक रोशन मारोगे तो तुम ऋतिक रोशन हो. और दुनिया चाहे कुछ भी जस्टिन बीरबल की बीवी अगर तुम्हें देख लेगी ना तो वो जस्टिन बीरबल को डाइवोर्स दे देगी तुम्हारे लिए, ये गारंटी है मेरी. डू यू सी दैट टाइगर? आई एम किल हर, सी वाज स्लीप एंड आई शूट हिम विद माय ओवन हैंड्स. वेरी डिफिकल्ट, पुलिस इज लुक फॉर मी बट आई एम इन जंगली. यस आई नो यू नो अंडरस्टैंड व्हाट दिस गेम से बट आई अंडरस्टैंड बिकॉज यू नीड कनाउलेट गिव मी कनाउलेट गिव अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज. ही से ही किल्ड टाइगर इन जंगले विद हिज ओवन हैंड्स. This guy very strong, very powerful, he bumbly jumbly. ये पेश करो शायरी, अर्ज किया है. वैम्पायर को हिंदी में कहते खून पीने वाला दरिंदा है. गौर फरमाइएगा, वैम्पायर को हिंदी में कहते खून पीने वाला दरिंदा है. इंग्लिश हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा है. I left earth because nobody loved me. देखा आपने लापरवाही का नतीजा. दो हथियार जो छपरियों के हाथ में गलत पड़ गए ना, पहला इंटरनेट और दूसरा फोटोशॉप. देख रहे हो तुम धरती कितनी प्रिपरेशन करके छोड़ के गया, साथ में बियर की बोतल, फ्रूटी, कुरकुरे, गैस सिलेंडर, गैस स्टोव, चाकू, छुरी, केचप, और फिर कैप्शन में लिखता है nobody loved me. भाई तुझसे कोई क्यों प्यार करेगी जब तेरी ऐसी फोटोज फेसबुक पे देख के तेरे खुद के माँ बाप तक सोचते होंगे. मुझे ना कुछ एक छोटा सा काम है, प्लीज कर दो. ये काम है, इसका ना बॉयफ्रेंड नहीं है, प्लीज कोई बॉयफ्रेंड बन जा. ये दीदी जी के लिए तो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड है मेरे पास. क्या हुआ? और जनाब क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है. मारो बस साले, फॉग चल रहा है बोला ना, मारो मैं तेरे घर आके मारो. बता क्या हुआ, किसके कॉल? क्या कर रहा है? अबे नया वीडियो डाल रहा ना कल, फुली नंबर वन पे रोस्ट बना रहा है, उसका एडिटिंग कर रहा था. बोल. अरे तेरे को अभी एक वीडियो भेजी मैंने व्हाट्सएप पे, देखी तूने? मैंने देखा, उसका मतलब क्या था भाई? तेरे लिए लड़की ढूंढिया मैंने, रिश्ता पक्का समझे? भाई निश्चय गर्लफ्रेंड चाहिए, निप्पी नहीं साले, फिट फिट के मारूंगा तेरे को. यार तो फ्रेंड्स सच बताऊं, मैं तो शॉक में गई थी, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि ये सब फेसबुक में हो रहा है, मैं इसे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मैंने
एटलीस्ट जब मैं यूज करती थी मैंने तो इस टाइप का कुछ नहीं देखा. अब लेटली तो फेसबुक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कम ही हो गया. जब शुरू हुआ था तभी बहुत क्रेज था पर अब तो मेरे ख्याल से लोग कम ही यूज करने लग गए हैं. बहुत कम होता है कि आप फोटोज डाल रहे हैं या कुछ. वो जो क्रेज था मेरे ख्याल से कम हो गया है. पर यहाँ पे तो अब ये लग रहा है कि जो टिकटॉक में होता था वो अब फेसबुक में शुरू हो गया. बड़ा ही सरप्राइज लगा मुझे इस बारे में. तो ऐसे लगता है थोड़ा फेसबुक भी देखना चाहिए देखने के लिए कि क्या चल रहा है. पर जिस तरह की इन्होंने वीडियोस दिखाई ओ माय गॉड मैं तो ऐसे थी कि भाई क्या बना रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं. पर डेफिनेटली जो इंग्लिश में लिखे हुए थे उसमें थोड़ा मजे लग रहे थे क्योंकि जिस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, एक ही चीज को हिम भी बोल दिया, हर भी बोल दिया, वो टाइगर वाला था कि मैं टाइगर को मारने गया और वो सब, वो जो मून में चला गया नोबडी लव्स मी. तो काफी मतलब देख के शॉक लगता है कि लोग कहां से ऐसी सोच ला के इस टाइप का डाल भी देते हैं. तो वो काफी मतलब वो लग रहा था. और शुरुआत जो उन्होंने की वो उसी वे से की थी कि बैठे हुए तीनों और उनमें से दो जो है वो इसी टाइप की कोई फोटोज और वो सब डाल के कमेंट्स या वीडियोस डालने की कोशिश कर रहे हैं. तो इन्हें लगा कि चलो इनको डिस्ट्रैक्ट करें उससे पहले कि मैं हम लोगों की बेइज्जती हो, इस टाइप के जो लोग बनाते हैं उसके ऊपर ही थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं. तो अमेजिंग था कि लोग अब फेसबुक पे भी ये कर रहे हैं. राइट सो मतलब अच्छा था. मेरे ख्याल से ये रोस्टिंग की बात चल रही है ट्विटर जैसे टिकटॉक का बोल रहे हैं. टिकटॉक जो है अब ज्यादा खत्म हो चुका है इंडिया में तो उसकी रोस्टिंग हो नहीं सकती. बच गया फेसबुक. और यही मेरे ख्याल से बता रहे थे कि एक जमाने में जब फेसबुक शुरू हुआ था तो मतलब वहां पर भी इस टाइप के लोग आते थे और वहां पे शेयर करते थे. अच्छा मुझे लगा अब करने लग गए हैं पता नहीं. मगर मैं यही कहूंगा कि डिपेंड करता है कि सोशल मीडिया में आपका सर्कल क्या है. तो क्योंकि अब जैसे नॉर्मली फ्रेंड्स का एक सर्कल होता है तो उन्हीं को ओपन किया जाता है फेसबुक. ऐसा नहीं है कि पूरा पब्लिक के लिए ओपन है. मगर ये एग्जांपल उन लोगों के ले रहे हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी उन्होंने डाल दिया पब्लिक के लिए. जैसे वो कह रहे हैं कि फोन नंबर्स अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल हैं. तो नॉर्मली वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि अब मेरे पास क्या बोलते हैं लूज करने के लिए कोई बचा नहीं है, जो बोलते हैं कि अब क्या मेरा जाएगा. बट जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो अपने नेटवर्क में शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबली शेयर करते हैं और फेसबुक के को सही तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है. अगर आप फेसबुक देखें तो उसकी रीच इतनी ज़बरदस्त है कि कितने सारे जो बच्चे गुम हो चुके हैं वो अपने पेरेंट्स से मिले हैं विया फेसबुक. इतनी मतलब बहुत आप फेसबुक की यूटिलिटी देखेंगे तो फेसबुक से कुछ ऐसे बच्चे थे जिसका बच्चा खो गया, उसने अपनी फोटो में लगा दी और कहीं कहीं शेयर हो के किसी को पता चल गया कि अरे ये तो बच्चा हमारे साथ वाले के घर पे ये बच्चा बिल्कुल मैच कर रहा है, पुलिस को कॉल करके बहुत कुछ हो गया. तो बहुत सारे अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है मगर अगर आप देखें तो बहुत सारे किडनैप्ड बच्चे रिकवर हुए फेसबुक से. बहुत सारे लोगों को की जान बची है फेसबुक में, किसी ने कुछ लाइव पोस्ट कर दिया फेसबुक में. और दूसरा जैसे कहीं पर भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे रोड रेज होती है यूएस में. रोड रेज का मतलब यही है कि ट्रैफिक में खुंदकबाजी हो गई, किसी ने किसी को लेफ्ट टर्न पे कट कर दिया, हॉर्न मार दिया. यहाँ पे हॉर्न तो किसी पे मारते नहीं, अगर हॉर्न मार दो इसका मतलब है कि आप किसी पे गाली दे रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है. हॉर्न मारो कुछ हो गया तो. और यहाँ पे वेपन्स अलाउड हैं कि कोई भी वेपन रख सकता है. तो कई बार ऐसा ऑल्टरकेशन हो जाता है जो बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है तो कुछ लोग जिनको लग रहा होता है कि अब लफड़ा होने वाला है इमिजिएटली वो फेसबुक की लाइव फीड कर देते हैं और सारे लोगों को पता चल जाता है क्योंकि वो लाइव फीड हो रही है और फेसबुक में रहती है. तो वो बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी बन गया है फेसबुक की. आप जहाँ भी आपको खतरा आप लाइव फीड ऑन कर दीजिए और फिर कोई रोक नहीं सकता. तो काफी अच्छा वीडियो था. यस फ्रेंड्स और इससे मुझे वो याद आया जो बता रहे थे ना, तो इसमें वो जो था जिसमें वो फोन करते हैं और उसको बोलते हैं कि भैया मेरी तो एक टांग कट गई है और मुझे पैसे चाहिए. तो वो वापस में जवाब देता है कि भाई मेरा तो हाथ ही नहीं है. मैंने कहा वाह कमाल का बंदा है, मतलब फोन नंबर दिया और उसके बाद जब किसी ने फोन किया तो क्या जवाब दिया. तो देख मैं उसमें मुझे लगा था यार बंदा चालू है. तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.